साथियों नमस्कार। आपका वही छविलाल पाल, बनगांव भीटी, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। आज आपके बीच पूजनीय स्वर्गीय श्री मित्र सेन यादव बाबू जी की जीवनी भेज रहा हूँ। गीत के माध्यम से लेखक हैं हमारे परम सद्दे बड़े भाई माननीय श्री अमरनाथ यादव। कदनपुरा पूरे ठाकुर मिल्कीपुर अयोध्या के हैं। सुर सरगम रिगार्डिंग स्टूडियो सेमरी के माध्यम से भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 95 54 10 33 90। अब आप लोग बिरहा सुनिए। माता कहवा की हुई अबेर, आवा जल्दी करा न देर, छोड़ा हंस सवारी शेर, फिर माँ पड़ा बबालक निरखे तोरी रा। निरखत तोहार राह शारदा, छोड़ा मैहर स्थान सुना। निरखत तोहार राह शारदा, छोड़ मैहर स्थान सुना। सोवत हुआ तो जागा, जागत हुआ तो दिया ज्ञान सुना। हे बजरंगी भुजा बिराजा, बालक लिखे बयान सुना। कलंप बैठा जगदम्बा, जोड़े बा हाथ नदान सुना। खड़ा बालक तेरा का मान सुना। कई के दंडवत गुरु चरण में, आगे लिखी दस्तान सुना। गुरु वही जो ज्ञान दिया, हर से ऊंचा स्थान सुना। 33 कोटि देवता सुमरी, धई के गुरु पे ध्यान सुना। देवता सुमरी, धाय के गुरु विधान सुना। पूज गुरु श्री माधो राम, जे कर बन मई मकान सुना। श्याम चरित मानस रच जाए, कलयुग के दरमियान सुना। कुलियत बंसी के उजागर, जाने सकल जहान सुना। उन्हीं चेला अमरनाथ मित्र सेन कई लिखे बयान सुना। अमरनाथ मित्र सेन कई लिखे बयान सुना। कदनपुरा 26 पुरवा, पंचो यब धई के ध्यान सुना। जेह मायक पूरे ठाकुर हैं, लेखक के मातान सुना। 36 घर या दो दुई धोबी, 6 घर पंडित महान सुना। ए भैया देखें, हमारे लेखक का मकान जो है वो कदनपुरा, जिसमें 26 पुरवा बताया गया बाबूजी, जिसमें एक पूरे ठाकुर है ग्राम सभा में। 36 घर यादो, 2 घर धोबी, 6 घर पंडित। ये बाबूजी 2 नाई, 2 लोहार, 11 बढ़ई, 8 घर मुसलमान हैं। उस ग्राम सभा में हमारे यादव जी कलम के माध्यम से दर्शाया है। ए भैया कहना बा, 26 घर या दो दुई धोबी, 6 घर पंडित महान सुना। लिखी जीवनी मित्र सेन के, पंचो लगाए कान सुना। जिला अयोध्या हरिन तीन गन, बला के हाई एक जान सुना। वही मौजा चौटाली कल्याण पूरा महान सुना। क्यों
काली कल्याणपुरा महान सुना, गांव भिकारी में भगवती यादव रहे किसान सुना, पत्नी उनके मुन्नी देवी रूपशील गुण खान सुना, रही खुशहाली उनके घर मां सबको दे भगवान सुना, दोनों प्राणी की बीचे मां रहे पांच संतान सुना, कहना है चार पुत्री और एक पुत्री रहे सकल गुणवान सुना। साथियों, भिटारी गांव में भगवती यादव एक किसान थे बाबूजी, जिनके घर में चार पुत्र हुए एक पुत्री हुई बाबूजी। साथियों, माननीय श्री भगवती यादव के घर में बाबूजी चार पुत्र हुए एक पुत्री, पत्नी उनकी मुन्नी देवी हैं यादव। और बाबूजी संजोग देखें, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, भगवती दादा के तीन लड़का इस दुनिया में नहीं रहे। माननीय श्री मित्रसेन यादव अकेला बचे बाबूजी। कहना है दादा भगवती के एक बेटवा कुल के बचा है सान सुना, जे करनावा मित्रसेन है रहे बड़ा बुद्धिमान सुना। मित्रसेन है रहे बड़ा बुद्धिमान सुना, 1934 में जन्मे विधना लिखे विधान सुना, होल के पंडित पोथी देखे दगते भय हैरान सुना। जब मित्रसेन बाबूजी पैदा होते हैं पूजनीय श्री भगवती यादव के घर में, तो पंडित बुलवा करके बाबूजी उनके देखें, कुछ जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। और पंडित दादा जब द्वार पर आते हैं अपनी पोथी पत्रा खोल के पूजनीय श्री मित्रसेन यादव के जीवन में जब विचारते हैं देखते हैं, तो देखें हमारे माननीय श्री भगवती यादव को बताते हैं। क्या बताते बाबूजी लटका में कहना बा, एक दिना के हाल सुनाई ए भैया, एक दिना के हाल सुनाई, अरे द्वारे पंडित जी गए आई, दादा आदर से बैठाई, दैया सनवाना दादा आदर से बैठाई, दैया सनवाना दादा आदर से बैठाई, दादा कहन लगे मन मार, अरे पंडित पोथी लिया निकार, राशि बेटवा के विचार करा बाया दवाना, राशि बेटवा के विचार, देखा पंडित जी से बड़े दुख के साथ भगवती प्रसाद यादव जी कहता है, का कहता है कि चार लाल माँ बचे हैं अक्के, ए भैया चार चार बेटवा में तीन खत्म हो गए, ये नहीं एक जने बचा है, तनियन के बारे में विचार के देखा, चार लाल माँ बचे हैं अक्के, अरे नहीं चिराग यहाँ मोर कुल के, कुशल छेप सुनबे इनके अपने कानावाना, कुशल छेप सुनबे इनके अपने, पंडित जी जब पत्रा खोल के देखे लागे पूजनीय श्री मित्रसेन यादव के जीवन में बाबूजी, तो बड़ा अच्छा अच्छा लिखा रहा है बाबूजी, कोनो गड़बड़ी ना रहा है। कहना बा, देख नक्षत्र पंडित तब बोले, अरे पोती पत्रा अपन खोले, कुल के लाज बचाई हैं रखी हैं साम मानवाना, कुल के लाज बचाई हैं, जौनी और कहे मुड़ जाई हैं, अरे आगा क्यों रो कि ना पई हैं, बड़े बड़े जोधा घबड़ई हैं, माए दानवाना बड़े बड़े जोधा घबड़ई हैं,
इतना पंडित जी बतलाए, अरे अपने घर के राह सिधाए, जवनिया न धन पाए शुभ सगुनवाना जवनिया। बड़ी अच्छी अच्छी बात बताए कि पंडित जी अपने घर के जाता है और दादाजी से बोले कि आगे चल के बड़ा अच्छा लड़का होगा, एक तेज देख करके मुझे विश्वास है कि अपने कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, बलवान होगा, बहुत हिम्मत वाला होगा। कहना है खेलत खात जब छूटी बकैया, अरे पढ़ने जाए उमर लरी कैया, हुई है वही विधाता जो लिखे लिखा नवाना हुई है। चलते चलते बाबूजी पढ़ने जाने लगे माननीय मित्र सेन यादव, और धीरे धीरे बाबूजी शयान हो गए। लेकिन वही समय में घटना होती है बाबूजी कि ममता कई अब छूट लियास, अरे माई की स्वर्ग माँ पास रह गए, बहन भाई और बाप तीनों जानवाना रह गए, बहन भाई बाप तीनों। भगवान कहाँ रहे बरसाई, अरे एक से एक विपत्ति आई, हिम्मत हारे ना भगवती दादा जवाना वाना, हिम्मत हारे ना। कुछ समय के बाद में मुन्नी देवी का स्वर्गवास हुआ साथियों, लेकिन भगवती दादा हिम्मत नहीं हारे। कहना है भगवान कहाँ रहे बरसाई, अरे एक से एक विपत्ति आई, हिम्मत हारे ना भगवती दादा जानवाना, हिम्मत हारे ना। संजोग देखा बिटिया भी सयान हो गई और शादी के लिए उनको बड़ी चिंता होने लगी। भगवती दादा एक दिन सोचने लगे और क्या कहते हैं भैया, कुछ दिन बीता किए पलान, ए भैया कुछ दिन बीता किए पलान, अरे बिटिया हो गई सयान, अब कतहू चाहिए ठेकान, सोचे मानवाना अब चाहिए कतहू। दिनमा ब्याहे कई धराए, अरे शादी बेटी कर चाहे बरात आई, भगवती दादा के भवानवाना, बरात आई भगवती। बाबूजी बिटिया की शादी बड़े सम्मान शोक से करके और शादी के बाद बिटिया की विदाई करते हैं, बिटिया अपने घर जाती है, बड़े कुशल मंगल से जीवन बीत रहा है। लेकिन बाबूजी इधर धीरे धीरे दादा को बड़ी चिंता होने लगी। कहना है बरात आई भगवती दादा के भवानवाना, बरात आई भगवती। तो मेन बची बा जिम्मेदारी, ए भैया मेन बची बा जिम्मेदारी, अरे दादा सोचे मने बिचारी, शादी बेटवा के कई डारी, मिले सकूना वाना शादी बेटवा के कई डारी। ए भैया माननीय मित्र सेन यादव के बारे में सोचने लगे कि बेटवा भी सयान हो गया, शादी करना जरूरी है। तो कहना है शादी बेटवा कह कह डारी, मिले सकूना माना शादी बेटवा कह कह डारी। कहना है तरिश्ता गया सपुर से आवा, अरे शादी बेटवा कर रचावा, पंडित पोथी देख धरावा शुभ दीनवाना, पंडित।
शुभ दिन आवा बजी सहनाई। माननीय मित्र सेन यादव की शादी रचाई गई बाबूजी भिटारी में, खुशी आवा कहना बा कि शुभ दिन आवा बजी सहनाई। अरे खुशिया भिटारी में छाई, दुल्हा बने भगवती दादा के लाला नवाना, दुल्हा बने भगवती। भैया कहना बा आई श्याम कली बनिनार। माननीय मित्र सेन यादव के दुल्हन बन के श्याम कली यादव भिटारी की पावन धरती पर आती है बाबूजी, कहना है तो आई श्याम कली बनिनार। अरे होएगा भिटारी गुलजार, खिला बागों में बहार, माशता नवाना खिला बागों में। देखा धीरे धीरे माननीय मित्र सेन यादव बाबूजी ब्रह्मा पास करते हैं, ब्रह्मा पास करके बाबूजी नौकरी की तैयारी में लग गए। कहना बा तो ब्रह्मा पास भाई के तैयारिया, अरे पाए फौज मा नौकरिया, ड्यूटी करे जहां लगा तोप खजाना वाना, ड्यूटी करे जहां। तो देखा संजोग कितना बढ़िया है कि बाबूजी फौज में भर्ती हो गए ब्रह्मा पास करने के बाद, माननीय मित्र सेन यादव और सीमा पर ड्यूटी लग गई बाबूजी सिंगल लटका में। कहना बा का कहना बा हरे जाई के सीमा पे ड्यूटी करन लागे। ए भैया जाई के सीमा पे ड्यूटी करन लागे, अरे वतन की सेवा में लागे ना भैया, वतन की सेवा में लागे। अरे दसवा की सेवा में लागे सुना भैया, दसवा की सेवा में लागे ना। विधना के लेख क्यों मेट नहीं सकी है, अरे किस्मत चले आगे आगे ना भैया, किस्मत अरे होइगा निधन सुना दादा भगवती के, बनवा करजवा में लागे ना भैया। सीमा प्रदेश की रक्षा कर रहे, ड्यूटी चल रही है, वही बीच में माननीय पूजनीय श्री भगवती यादव जी का निधन हो गया, माननीय मित्र सेन के पिताजी का निधन हो गया। जब यहाँ से चिट्ठी जाती है साथियों, और जब चिट्ठी पढ़ते हैं माननीय मित्र सेन, तो बान करेजे में जैसा लगा बाबूजी, चेहरा धूमिल हो गया। कहना है अरे होइगा निधन सुना दादा भगवती के, बान करजवा में लागे ना भैया। अरे छोड़ के नौकरिया घरा का चलाना है, क्रिया कर्मवा में लागे ना भैया। अरे बाप के साया उठा उनके सर से, जिम्मेदारी घेरी आगे ना भैया। घरे पहुंच के बाबूजी बाबूजी की क्रिया कर्म निपटाएं बाबू, और संजोग देखें दोबारा नौकरी में नहीं गए, क्योंकि यहाँ उस समय बाबूजी सामंतवादियों के द्वारा गरीबों का बड़ा शोषण हो रहा है। तो मित्र सेन जब देखते हैं कि हमारे गरीबों को और मजदूरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, तो नौकरी करना ठीक नहीं है। अब किसी पार्टी के नेता बन के इन लोगों को बचाने का काम करेंगे। उसी समय में उनका विचार बदल गया, नौकरी छोड़ दिए। कहना है बाप का साया उठा उनके सर से, जिम्मेदारी घेरे आगे ना भैया। अरे देखें समंतवाद राज करें क्षेत्र मां,
भैया। अरे देखें सामंत बाद राज करें क्षेत्र मा, जुलुम करें हल्ला मचा के ना भैया। अरे शोषित गरीब वन पर जुल्म अत्याचार करें, मानवता आपन भुला के ना भैया। अरे रात दिना कमवा करावे गरीब वन से, बधुआ मजूर बना के ना भैया। अरे देखें समाज में त्राही त्राही मचाया है, जनता दर्द कहे रोके ना भैया। आंखी भरी आवे देखी अत्याचार भाई। अरे मित्र सेन कहे धीरज धरा के ना, मित्र सेन कहे। अरे जनता के सेवा करब मन मा ठान ले है, कम्युनिस्ट के झंडा उठा के ना भैया। ये 1957 की बात है साथियों। उसी समय अत्याचार देख करके माननीय श्री मित्र सेन यादव जी एक प्रतिज्ञा करते हैं कि अब नौकरी नहीं करेंगे, हम गरीबों दुखियों का कल्याण करेंगे और किसी पार्टी का झंडा लेकर के हम समाज की सेवा करेंगे। तो बाबूजी प्रमाण मिलता है कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में माननीय मित्र सेन यादव शुरू करते हैं और कम्युनिस्ट का झंडा उठा के कहना है। अरे कम्युनिस्ट के झंडा उठा के सुना भैया, कम्युनिस्ट के झंडा उठा के। शहर में कहना बा भैया, सेवा करबे हम जनता के जुलुम ना है सही जाई। सुना सेवा करबे हम जनता के जुलुम ना है सही जाई। एक दिन होत भरहारी संगी साथी लिहिन बुलाए, करे मस्बिरा बैठ के बीचों में बात कहे समझाए। अमरनाथ के कलम पर शारद ज्ञान रही बरसाए। सुना भैया, अमरनाथ के कलम पर शारद ज्ञान रही बरसाए, फेर मा पड़ा बबाल की तोहर निहारत रा। मित्र सेन घर घर में जाते, बारी बारी से समझाते, छोड़ा डर चला हमारे साथे। कबले बैठ के साहबा घर में अत्याचार। साथियों यहीं से माननीय मित्र सेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर के गांव गांव में क्षेत्र में जाकर के संगठन बनाने काम करते हैं और यहीं से बाबूजी नेतागिरी शुरू करते हैं। कभी का कहना बा, मित्र सेन कहते समझाई, धीरज धरो सुनो चितलाई, हम तोहरी करबे अगुआई, झंडा लिए उठाई हाथों में ललका। कहना बा भैया, झंडा पकड़े हाथों मायब ले कसमिया खाए। सुना झंडा पकड़े हाथों मायब ले कसमिया खाए। सुना जहां पसीना गिर जनता के फुनवा देव बहाए,
अत्याचार जुलुम के लागत गवा पतन जाए सुना। 1957 के हम हलिया रहन बताए सुना। गांव गांव यो जगह जगह पे मीटिंग रहे बुलवाए सुना। मित्र सेन के अगुवाई माँ जनता पर दिखाए सुना। फिर ना रुके झुके ना कब हूँ आगे कदम बढ़ाए सुना। फिर ना रुके झुके ना कब हूँ आगे कदम बढ़ाए सुना। जहाँ खड़ा हो जाए बाबूजी सभा वहीं लग जाए सुना। जहाँ खड़ा हो जाए बाबूजी वहीं सभा लग जाए सुना। अगर कतों वह बैठ जाए तो अनशन नाम धराए सुना। थाने और कचहरी के सब अधिकारी घबराए सुना। हवें मसीहा गारी भुवन के जनता कहे गोहराए सुना। सर्वो जाति के मन ही साथे झंडा लीन उठाए सुना। पक्षी का अपना रह डराए धै ललकार भी पक्षी का अपना रह डराए सुना। उ दिन हम याद बा अब ही ना ही गयन भुलाए सुना। रात दिना हम काम करिए ऊपर से गुर्राए सुना। बेटी बहु कई जैसा माटी माँ दिए मिलाए सुना। सब माटी मा दिए मिलाए सुना। पकर परोरी काम करावे मजदूरी कुछ नाए सुना। अब ना कर वे हाजूरी मोर गवा मसीहा आए सुना। मित्र सेन जी श्री कृष्ण के रूप में परे दिखाए सुना। लिखते अमरनाथ यादव छबिलाल जी रहे सुनाए सुना। ए भैया क्षेत्र की जनता माननीय मित्र सेन यादव ऐसा नेता पा करके पूरे क्षेत्र में बाबूजी खुशहाली हो गई। और देखें तमाम गरीब लोग चाहे वो एससी समाज के रहे हों चाहे बैकोट के लोग रहे हों और चाहे सामान्य के लोग रहे हों माननीय मित्र सेन का बाबूजी एक क्रांतिकारी के रूप में और एक समाज सेवा के रूप में सब लोग उनको सम्मान देने लगे साथियों। और बहुत बड़ा संगठन माननीय मित्र सेन यादव खड़ा कर दिए। तो कभी को बड़ा सुंदर भाव में बाबूजी देना पड़ा तेरी के भाव में। अरे रखवाला बन के आए बाबूजी। ए भैया रखवाला बन के आए बाबूजी। कूदे राजनीत माँ मित्र सेन मतवाला। रखवाला बन के आए बाबूजी। कहा गया है कि जैसे तीत करैला दूजे चढ़ानी में की डार वैसे समंतवादी महंगाई। अरे जान ले तबा मार हार के जनता रोवे कैसे मिले निवाला। रखवाला बन के आए बाबू। इतने ना भैया बन के मसीहा गारी बन के मित्र सेन अगुआने
लड़प लड़ाई महंगाई के, लड़प लड़ाई महंगाई के, अरे मन में ही है ठाने, कूदे देश व्यापी आंदोलन में महिपाला रखवाला बनके आए बाबू। उसी समय 1965 की हाले साथियों चकबंदी भी आ गई और उस चकबंदी में समांतवादी लोग, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन कहना है 1965 चकबंदी मचा बहाकार, कर्मचारी मिली समांतवाद से, अरे करते भ्रष्टाचार, अत्याचार साहब ना सोचे जीवट वाला रखवाला बन के आए बाबू। कदनपुरा के साईं प्रसाद जी, तुलसी राम मास्टर, पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी माननीय श्री मित्र सेन यादव पर आ गई साथियों, और गांव गांव जा करके लोगों को संगठित करने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। कहना है कदनपुरा के साईं प्रसाद जी, तुलसी राम मास्टर, धामोलिया के राम सहायक, अरे गुरु प्रसाद रहे कट्टर, अंत तक साथ निभाए बन के हिम्मत वाला रखवाला बन के आए बाबू। देखिए माननीय मित्र सेन यादव के साथ सामंतवादी और पुलिस के जवान मिलकर के बाबूजी फंसाने का काम किए। क्या किए सुने, पुलिस सामंती गठजोड़ ने चली है चाल कराई, क्यों कांडवा मित्र सेन का, अरे अभियुक्त बनाए भारी, बिगड़ी का जो बैठा न्यायिक मुरली वाला रखवाला बन के आए बाबू। अंत में साथियों बाबू जी को फंसाने का काम कर दिए। क्या किया बाबू जी, ए भैया दुहरी हत्या केस मां दुश्मन दीन फंसाई, दुहरी हत्या केस मां दुश्मन दीन फंसाई, 1966 मां उनका, अरे उम्र कैद भय भाई, अर्जी पौते राष्ट्रपति सजा माफ कर डाला रखवाला बन के आए बाबू।
मान्य मित्र सेन यादव को साथियों उम्र कैद हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जी उस समय बाबूजी उनकी सारी जौनबा धारा खत्म करवा दिए और कहना है कि चला मुकदमा सारे केस का हुई गवारा न्यारा, अदालत से परी हो गए। अरे भाई जत सरदारा ठोका ताल जंग में यदुवंशी के लाला, रखवाला पंक्ति घूमे बाबू जी। सिंगल लटका में कहना बा, का कहना बा भैया? अरे जैसे पांच तत्व कै बनी बा शरीरिया, अरे जैसे पांच तत्व कै बनी बा शरीरिया, अरे जहमा बिराज ई मनवा ना भैया, जहमा बिराज रतन पांच बाबू मित्र सेन जी के, अरे गर्जय सभा बीच रनवा ना भैया, गर्जय सभा बीच दादा ब्रह्मानंद खिरई पुरवा वाले। उस समय मान्य मित्र जिन सेन जी के साथी हैं बाबूजी, कहना है दादा ब्रह्मानंद खिरई पुरवा वाले, अरे खुल के करा थे अरे जब तक जिंदा बाबू मित्र सेन बाटे, अरे जुल्मों के लागे ना ठेकनवा ना भैया, जुल्मों के लागे ना, अरे जुल्मी जुल्म के न पहिए धरतिया, ए भैया जुल्मी जुल्म के न पहिए धरतिया, नाही बचे बेई मनवा ना भैया, नाही बचे, देश विदेश में परचम लहराते हैं, अरे सुनते ही कांपे जूस मनवा ना भैया, सुनते कांपे, अरे उदय राज दादा कहें ऐसा वीर कौन, अरे माई का जन्मा ललनवा ना भैया, माई का जन्मा, अधिवक्ता बाबू विंध्याचल सिंगर जय, ये सब बाबू मित्र सेन जी के साथी थे। अधिवक्ता बाबू विंध्याचल सिंगर जय, अरे कचहरी में जज के समनवा ना हो, कचहरी में जज के, अरे वहां से करें बाबू विंध्याचल सिंह भैया, ए भैया अरे वहां से करें बाबू विंध्याचल सिंह भैया, अरे पलट जाए जज कैली खनवा ना भैया, पलट जाए जज के, अरे रुक जाए कलम गौर से सुने जज साहब, ए भैया कहना है कि रुक जाए कलम गौर से सुने जज साहब, अरे मान लिए उनके कहनवा ना भैया, मान लिए उनके, यार गरजे जन मोर्चा में शीतला सिंह बाबू, अरे जे के खड़भड़िया मकनवा ना भैया, जे के खड़भड़िया, हाँ।
संपादक जन मोर्चा के शीतला सिंह भैया, अरे लिख भेजे पढ़ता जहनवा ना भैया, लिख भेजे पढ़ता अरे कागज कलम से मार करें संपादक, साफ लिखे वे बयानवा ना भैया, साफ लिखे वे जगन्नाथ शुक्ला के हाल काओ कही भाई, अरे खड़ा हो दहाड़े जवनवा ना हो, खड़ा हो दहाड़े अरे पौते इशारा वे झपटे विरोधी पे, अरे भागे न पावे ठेकनवा ना भैया, भागे न से रतन पांच मित्र से नजी के, अरे फहरा ही पता का गगनवा ना भैया, गगनवा ना भैया तारे पता का, ये सब मिलके बाबूजी के साथ निभाने काम करते हैं। शहर में कहना है बाबूजी, ऐसे रतन पांच हैं इनके जगह जगह जट जाए, ऐसे पांच रतन हैं इनके जगह जगह जट जाए, सुख दुख में सबके साथी हैं चलते हैं अगुआए, झंडा लिए उठाई जब वे बने मसीहा आए, शारद खड़ी बतावे लिखते अमरनाथ चितलाए सुना लिए उठाई हाथों में ललका, आगे का बयान साथियों दूसरे